made, very well made movie. Different from the lot of movies जो अभी चल रही हैं उससे तो बहुत ही different है but beautiful, beautiful. Both have done their best in the movie and they'll go a long way, both of them. Out of five, four. Nice movie. It's a good movie, but first try अच्छा है, good try. Four. The movie was really good. It was really inspiring and it was very good. It was a unique movie. I like both of them. Gaana, like, it was really good. The music was really good. I just love the Boomerang. Yeah, Boomerang was really cute. I liked all the characters. 4.5 out of 5. खास नहीं लगी अच्छी क्योंकि ये आर्ट फिल्म जैसी लग रही है. वो बॉलीवुड में जो तड़का रहता है मसाला उसमें कुछ भी नहीं है. कश्मीर का सीन थोड़ा ठीक है लेकिन वो ज़्यादा नहीं. एक का एक सीन बहुत बार दिखाया है. स्कूल का सीन जो है ना वो पानी के अंदर ठीक है इतना वो भी खास नहीं है. ठीक है. हाँ दो गाने अच्छे हैं. हाँ सलमान खान की जो फिल्म रहती है दबंग वगैरह उस टाइप की नहीं है. मुझे अच्छी लगी. वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी क्योंकि सलमान खान ने प्रोड्यूस की है और इसके जो डायरेक्टर है वो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर नितिन कक्कर. तो अच्छी मूवी लेके आए हैं. रोमांस है, ड्रामा है, ह्यूमर है, अच्छी मूवी है. स्टोरी बहुत अच्छी लगी कि कैसे एक आर्मी ऑफिसर टीचर बन जाते हैं और उन्हें एक किरदार से प्यार हो जाता है. मतलब नोटबुक पढ़ते हैं और उनके थॉट प्रोसेस से प्यार हो जाता है. हालांकि स्टोरी और क्रिएटिव हो सकती थी क्योंकि दोनों इंटरवल के काफ़ी बाद आते हैं तो लोगों को लगता है कि और दोनों को देखने को मिलता तो अच्छा लगता. तो उस तरह से और अच्छी बन सकती थी. बट स्टिल म्यूज़िक इज़ वेरी गुड बाय विशाल मिश्रा और एडिटिंग बाय सचिंद्र वत्स. कहीं भी बोर नहीं करती, थोड़ी स्लो पेस्ट हो जाती है बट उसके साथ साथ कश्मीर को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है. सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है मनोज कुमार खटोई की. तो आई थिंक इट्स अ गुड पैकेज. दोनों ही बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर्स है. एक नूतन की ग्रैंड डॉटर और मोनीश बहल की बेटी प्रनूतन बहल और जहीर इकबाल दोनों ही बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर्स है. आई एम श्योर दे कैन इम्प्रोवाइज बट ये उनकी पहली मूवी है सो आई डोंट थिंक वी शुड बी ओवर क्रिटिकल. दोनों ही एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेंस हैं और जहीर इकबाल में बहुत ठहराव है. यू नो आँखों से बातें कहते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगी. और प्रनूतन बहल आई थिंक शी इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग. मतलब लगता नहीं है कि उनकी पहली मूवी है. बहुत अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस है दोनों एक्टर्स का. गाने सभी बहुत अच्छे हैं स्पेशली भूमरो फिर से देखने को मिला विद ऑल द किड्स. तो बहुत अच्छा गाना है. पिक्चराइज बहुत अच्छे किया गया है. 3 stars. थैंक यू. मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी. बहुत ही अच्छा काम किया है. जब आप फिल्म देखकर निकलते बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये उनकी पहली फिल्म है. और इसके लिए मैं ना सिर्फ उन दोनों को श्रेय दूंगा बट उनके एक्टिंग कोच हेमंत को भी श्रेय दूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों टैलेंट्स को नर्चर किया है. और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि उनको ओपनिंग टाइटल्स में क्रेडिट देकर उनका सम्मान किया गया है. सो वेरी गुड जॉब डन हेमंत. बिल्कुल क्योंकि ये कहानी हमें बताती है कि इंसान जो है अपने फिज़िकल अपीयरेंस के बाद भी बहुत कुछ है. उसकी सोच और किस किस्म की वो सोच रखता है ज़िंदगी की तरफ, ये उस चीज़ को अंडरलाइन करती है. प्लस मतलब एडुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है ये इस फिल्म ने अंडरलाइन किया है. तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म का. बहुत ही अच्छा. नितिन कक्कर तो है ही बहुत अच्छे डायरेक्टर. उनकी पिछली दोनों फिल्में भी बहुत ही अच्छी थी, फिल्मिस्तान और मित्रों. और इस बार भी उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा निर्देशन दिया है. म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है. और मुझे इस बात की खुशी है कि कई दिनों बाद एक फिल्म के कम्प्लीट एल्बम को एक ही संगीतकार ने कंपोज किया है. तो मैं विशाल मिश्रा को बधाई देता हूँ इस उपलब्धि की. और मुझे फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा. खैर मैं तो न्यू कमर्स की फ़िल्म है और मैं चाहूँगा कि मतलब द टिकट पेइंग ऑडियंस उन्हें ओपन आर्म से स्वागत करे. तो उसके लिए मैं उन्हें 5 स्टार दूँगा.